ओके सो दिस इज द स्टूडेंट स्टूडेंट हियर एक्चुअली सो फार वी हैव डन इफ यू गो टू न्यू फील्ड एंड रिलेशनशिप वी हैव डन ऑल बेसिक टाइप्स वी हैव डन ऑल बेसिक टाइप्स बट व्हाट वी हैव नॉट डन वी हैव नॉट डन लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप एंड एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप दीज थ्री थिंग्स वन इज अ लुकअप रिलेशनशिप वन इज अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप वन इज अ एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप ओके The first we will understand what it is actually in a really real life object it's there is a relationship suppose a there is a table called employee suppose your employee or student think about a student a in real life we do not do one table one object it creates a multiple tables multiple like students personal details student academic details student scorecard student like these are the three object samajh ke kya bol raha jaise employee employee suppose main office mein job karta mera personal details office mein hai mera educational details office mein hai mera professional details mein office mein pehle mera ek aadmi ke liye teen cheez hai ek personal details jahan par name address phone number email id ek एजुकेशन डिटेल्स मैं जो कंपनी में जॉब कर रहा वो कंपनी तो मेरा एजुकेशन डिटेल्स ले रहा हाँ एजुकेशन डिटेल्स उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स के बाद उसके जो प्रोफेशनल डिटेल्स मेरा जो सैलरी है मेरा जो ये है सब कुछ ले रहा है ये सर ना तो दोज आर द थिंग्स इज देयर सो दीज दोज ऑल थिंग्स आर देयर तो दीज आर एक्चुअली मल्टीपल टेबल्स बट हाउ दे आर रिलेटेड वन इज ए प्राइमरी टेबल वन आर द चाइल्ड टेबल दोज टेबल्स आर रिलेटेड ओके अगर प्राइमरी अगर एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा तो एम्प्लॉय का उसका सैलरी डिलीट हो जाएगा कोई भी लोग कंपनी छोड़ देगा तो उसका सैलरी बार मिलेगा नहीं नहीं मिलेगा तो एम्प्लॉय से सर सैलरी का क्या रिलेशनशिप वो बहुत टाइट बॉन्डिंग अगर एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा ना वो भी डिलीट हो जाएगा समझ के क्या बोल रहे हैं हाँ इसके लिए और एम्प्लॉई और ये और बट सपोज और एक रिलेशनशिप है तो अगर एम्प्लॉई और मास्टर एंड चाइल्ड ये बोलते हैं मास्टर और चाइल्ड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप एक ऐसे रिलेशनशिप है ये पे मास्टर डिलीट हो जाएगा तो चाइल्ड भी डिलीट मास्टर डिलीट हो जाएगा तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा ये रिलेशनशिप कॉल मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ये पे लिखा है देखो क्रिएटेड creates a special type of parent child relationship creates a special type of parent child relationship between this object the child and another object the relationship field is required on all details record the ownership and sharing of a record will be determined by the master record when a user delete master record all detail record are detail child is called detail and first record is called master like employee and salary If employee delete, then employee salary will be delete. If that is the common thing. तो एक्चुअली सर एम्प्लॉय एक तरह का पेरेंट हुआ और चाइल्ड उसकी सैलरी ना हाँ, चाइल्ड इज सैलरी सैलरी इज ओके तो एक एम्प्लॉय देखो वी कैन नॉट द क्वेश्चन सर कैन वी एवरीथिंग कीप इन अ सिंगल टेबल नो सो इट विल बी कंफ्यूजिंग इट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन सो वी डिफर एंड बट हाउ दोस टेबल्स आर रिलेटेड बिकॉज दोस टू टेबल कॉमन थिंग्स इज Employee ID. Two table or two objects, but one thing is common. That is a employee ID is a common. That is a called master detailed relationship. Here. Okay, but there is another type of relationship. Which kind of relationship? जब कोई भी form fill up करोगे ना, देखोगे कुछ कुछ value है वो drop down में आता है जैसे country, okay, location drop down में. These even if you delete, okay. इफ आई क्रिएट ए सेपरेट टेबल सपोज कंट्री के लिए एक टेबल है और एम्प्लॉय के लिए एक टेबल है तो एम्प्लॉय एंड कंट्री टेबल रिलेटेड यहाँ पर एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा फिर भी कंट्री नहीं डिलीट होगा एम्प्लॉय एंड कंट्री डिलीट एम्प्लॉय डिलीट हो सकता है बट कंट्री नहीं डिलीट होगा क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा टाइट बिल्डिंग नहीं है समझते हो लोग तो क्रिएट ए रिलेशनशिप दैट लिंक्स द ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट The relationship field allow user to click on lookup icon, select a value from top list,
अदर ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ द वैल्यू इन द लिस्ट. लेट वी डू ए ओके एग्जाम्पल, देन यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड. सो एंड देर इज अनदर कॉल एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप, यू विल अंडरस्टैंड लेटर देन. दीज आर द थ्री की थिंग्स: लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप. सो लेट सर लोकल रिलेशनशिप इज अ कंट्री नो सर दैट इज एग्जाम्पल. कंटिनेंट ओके इट्स एग्जाम्पल. सपोज अनदर एग्जाम्पल थिंक अबाउट, एक यूनिवर्सिटी में अगर मैं, तुम तो स्टूडेंट है ना, अगर तो हाँ स्टूडेंट तो था, तो व्हाट वाज योर डिपार्टमेंट, व्हिच टीम यू आर स्टूडेंट फ्रॉम, व्हिच टीम, कॉमर्स साइंस साइंस था, तुम्हारा ग्रेजुएशन में साइंस था. ओके जिस यूनिवर्सिटी तुम पढ़ाई किया हुआ पे कितना डिपार्टमेंट है, वहाँ पे साइंस था, जियोग्राफी था, आर्ट्स था. ओके बहुत सारे डिपार्टमेंट है कि जब कोई स्टूडेंट जा रहा एडमिशन ले रहा, वो किसी ना किसी को एक डिपार्टमेंट के अंदर घुस जा रहा. बट कल स्टूडेंट निकल जा रहा, वो डिपार्टमेंट डिलीट हो रहा नहीं नहीं हो रहा? तो इसके साथ, दोनों के साथ क्या रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप कॉल लुकअप रिलेशनशिप. ओके समझ के क्यों? यहाँ पे हाँ दोनों के साथ स्टूडेंट तो आ जा रहा, जा रहा, कल डिलीट हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर स्टूडेंट डिलीट होता है फिर भी डिपार्टमेंट नहीं डिलीट होता है. समझ गए क्या मतलब? हाँ सर एक काम करो, तो पहले एक टेबल करो, क्रिएट ए टेबल. ओके लेट मी स्टॉप यू, क्रिएट ए टेबल बेटर. ओके शेयर योर स्क्रीन, द प्लेट स्क्रीन शेयर करो. क्रिएट ए टेबल कॉल डिपार्टमेंट, क्रिएट ए टेबल कॉल डिपार्टमेंट. आर यू क्रिएटिंग टेबल? ओके वन मिनट वन मिनट. अच्छा स्टूडेंट है, तो क्रिएट ए न्यू टेबल. फर्स्ट क्रिएट ए न्यू टेबल, क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट. क्रिएट एक करो, ऑब्जेक्ट मैनेजर जाओ, ऑब्जेक्ट मैनेजर जाओ, नया ऑब्जेक्ट करो न्यू. न्यू यस यस क्रिएट न्यू, क्रिएट कस्टम डिपार्टमेंट. हाँ स्टूडेंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, स्टूडेंट डिपार्टमेंट. वो तो अंडरस्कोर देना पड़ेगा, एक मिनट जनरल. हाँ ये लिखो, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट लिखो, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट्स. एस ना हाँ ठीक है, नीचे आओ, ये करो. नेक्स्ट अच्छा वो चेक बॉक्स से करो, वो जो नीचे नया जैसे ऑब्जेक्ट के रिलेशन था, ठीक है नीचे करो, सेव करो. टैब स्टाइल सेलेक्ट करो कोई भी, नेक्स्ट. सेव. यस हो गया. एक्चुअली दो तीन फील्ड को, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम,
डिपार्टमेंट कोड और डिपार्टमेंट दो तीन फील्ड करो, एक डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट एवरी डिपार्टमेंट हैज ए कोड ना, हाँ कोड मीन्स वो क्या होता है, कोड मीन डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट कोड एक काम करो नंबर दे दो, और टेक्स्ट दे सकता है डिपार्टमेंट लाइक फिजिक्स PHY, ओके ऐसे तो होता है, एक काम करो एक और टेक्स्ट दे दो, DPT कोड, DPT हाँ डिपार्टमेंट कोड, DPT कोड, डिपार्टमेंट DPT अंडरस्कोर कोड, DPT कोड, नेक्स्ट सर। डीपीटी कोड हो गया। अच्छा हाँ डीपीटी नेम करो और एक फील करो, डिपार्टमेंट नेम, डीपीटी नेम, नेम मीन्स टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट टेक्स्ट सर। हो गया। अच्छा दो फील्ड हो गया ना, अच्छा ठीक है। नाउ नाउ गो टू योर गो टू फील्ड लुकअप रिलेशनशिप, डिपार्टमेंट फील्ड, ओके क्लिक ऑन लुकअप रिलेशनशिप, हाँ क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट रिलेटेड टू, गो टू चेक रिलेटेड टू स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट फील्ड नेम, ठीक है हो गया, हो गया, और नो नो स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट, सेव हो गया। देखो रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप नेम इज लुकअप, लुकअप रिलेशनशिप, वो जो अंडरस्कोर सी है ना, अंडरस्कोर सी स्टूडेंट डिपार्टमेंट इज अंडरस्कोर सी इज लुकअप रिलेशनशिप, स्टूडेंट डिपार्टमेंट। हाँ यू हैव क्रिएटेड, यू हैव क्रिएटेड दिस इज ए स्टूडेंट एंड टू सर दिस वन स्टूडेंट, ना। हाँ हाँ सर सर दिस वन लुकअप। नाउ हाँ नाउ गो टू सेल्स क्लाउड, नाउ गो टू सेल्स क्लाउड, गो टू सेल्स क्लाउड। क्लाउड, हाँ सेल्स क्लाउड, ओके गो टू स्टूडेंट, फर्स्ट गो टू स्टूडेंट एंड डिपार्टमेंट, ओके नाउ यू कैन स्टूडेंट क्रिएट, नाउ यू कैन क्रिएट न्यू स्टूडेंट, और स्टूडेंट डिपार्टमेंट सर ना। स्टूडेंट हाँ गो डिपार्टमेंट टू स्टूडेंट डिपार्टमेंट, गो फर्स्ट स्टूडेंट डिपार्टमेंट, क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट, न्यू क्लिक न्यू, दाओ स्टूडेंट डिपार्टमेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री दो तीन डिपार्टमेंट, डीपीटी नेम फिजिक्स, डीपीटी कोड PHY, अच्छा PHY। कैपिटल दो PHY, PHY अच्छा कैपिटल, फिजिक्स डिपार्टमेंट, यू कैन क्लिक ऑन सेव, जस्ट
देखो दीज आर द अर्लियर स्टूडेंट, इवन दो स्टूडेंट्स यू कैन सिलेक्ट व्हिच स्टूडेंट इन दीज डिपार्टमेंट यू कैन ऐड. ओके वेरी गुड, क्रिएट अनदर डिपार्टमेंट, अनदर टू डिपार्टमेंट. ओके ठीक है, क्या क्या डिपार्टमेंट हुआ? फिजिक्स केमिस्ट्री और एक डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट करो, मैथ्स मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट, मैथ्स. डन सर, Done. Okay. Now you create a new student. Now go to create a new student. You have created department, na? Now go या to click on स्टूडेंट, student. Click on student. Now create a new student. ओके एक्स वाई जेड कोई वैल्यू नहीं. सर ऑल दिस आई नीड टू फिल अप सर, थोड़ा छोड़ दो, जस्ट सेव करो, सेव करो, ओके सेव करो. अच्छा ये तो हो गया. इसके बाद और एक टैब है, देखो रिलेटेड बोल के एक टैब है, वो पे क्लिक करो. वो पे डिटेल्स बोल के देखा है, उसके बगल में ये डिटेल्स. नहीं, ये पे नहीं, वो जो नीचे रिकॉर्ड दिख रहा है ना, नीचे आ जाओ, नीचे. हाँ हाँ थोड़ा उसको आप करो, आप करो, आप करो, आप करो. ये देखो टैब दिख रहा है, रिलेटेड एंड डिटेल्स, रिलेटेड एंड नितिन के नीचे तो रिलेटेड में क्लिक करो, रिलेटेड रिलेटेड हाँ वह पे क्लिक करो. ये कौन है? एक ये हो रहा है स्टूडेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे न्यू करो, और नितिन का नीचे न्यू करो. हाँ न्यू करो, ये स्टूडेंट का नितिन का डिपार्टमेंट ऐड हो रहा. ओके हाँ और अलग हुए है, और अलग हुए है, ये है. अच्छा ठीक है, सेव और अलग वे है एक्चुअली तुम्हारा डिपार्टमेंट. ओके एक को एक करो, एक क्लोज करो, एक क्लोज करो, गो टू डिपार्टमेंट्स, गो टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट. अच्छा डिपार्टमेंट ये करो, कोई भी फिजिक्स डिपार्टमेंट सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, और फिजिक्स डिपार्टमेंट रिलेटेड बोल के क्लिक करो, रिलेटेड रिलेटेड बार बार. हाँ ये पे अच्छा नो नो नो, कैन यू क्लिक ऑन डिटेल्स?
डिटेल्स। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट में क्लिक करो, यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना वो फिजिक्स डिपार्टमेंट नीचे है, देखो स्टूडेंट है, वहाँ पे सिलेक्ट करो। अभी जो क्या हुआ नया सिलेक्ट हुआ नितिन, नितिन का डिपार्टमेंट दे रहा, सेव करो। सेव। हाँ इस बार स्टूडेंट टेबल में जाओ, जाके देखो नितिन का, देखो नितिन के साथ ये डिपार्टमेंट ऐड हो गया। गो टू स्टूडेंट नितिन क्लिक करो, नितिन का ये डी करो, रिलेटेड क्लिक करो, रिलेटेड रिलेटेड। हाँ देखो फिजिक्स ऐड हो गया, फिजिक्स के ऊपर क्लिक करो, फिजिक्स के ऊपर क्लिक करो, वो नितिन का फिजिक्स से ऐड हो गया, वो फिजिक्स से उसका भी डिटेल्स देख रहा, समझ गया। बट हाँ ये जो रिलेशनशिप है नितिन के साथ फिजिक्स हुआ, ओके हाँ मधुप्रिया के साथ और एक डिपार्टमेंट हुआ, और ओके किसी को लेकर किसी को डिपार्टमेंट हुआ, बट अगर ये नितिन डिलीट हो जाएगा, डिपार्टमेंट के डिलीट होगा वो नहीं, चेक कर। अभी नितिन का डिलीट कर, गो टू स्टूडेंट देखो, ट्राई टू डिलीट नितिन, ट्राई टू डिलीट नितिन, और देखो दाएं तरफ यहाँ पे नहीं है, लिस्ट में जाओ, लिस्ट लिस्ट चेक करो। हाँ राइट साइड वो जो एरो दिख रहा नीचे नीचे, और थोड़ा नीचे और नीचे और नीचे, जहाँ पर नितिन दिख रहा नितिन, वो रो में राइट साइड जाओ, नितिन जहाँ दिख रहा उसका राइट साइड। हाँ यहाँ पे देखो डिलीट ऑप्शन, डिलीट क्लिक करो, डिलीट स्टूडेंट, देखो नितिन डिलीट हो गया। बट फीस यस भी नितिन का जो डिपार्टमेंट वो डिलीट नहीं हुआ, कौन डिलीट हुआ, नितिन डिलीट हुआ, नितिन रेड नितिन हुआ का सर। डिपार्टमेंट डिलीट नहीं हुआ, नहीं समझ गए क्या बोला, फिजिक्स हाँ डिपार्टमेंट डिलीट नहीं हुआ। अगर तुम किस फिर भी फिजिक्स डिपार्टमेंट एन नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ टैग कर सकते हो, ये जो रिलेशनशिप है ना, दिस रिलेशनशिप इज ए लुकअप रिलेशनशिप, दोनों को इतना टाइट बॉन्डिंग नहीं है, एक वो जो ये है जिसके साथ रिलेटेड है, अगर वो छोड़ेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर ये नहीं होगा अगर किसी के साथ डिपार्टमेंट फिजिक्स है, वो डिपार्टमेंट तुम डिलीट कर चाहते हो ना, वो डिलीट नहीं हो, समझ गए क्या बोल रहा। सर यह पे वो जो ये है फिजिक्स है, फिजिक्स किसी के साथ कनेक्टेड है तब तुम फिजिक्स डिलीट करना चाहते हो, सब वो नहीं हो। सपोज और एक ट्राई टू डिलीट और एक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डिलीट करो, सपोज देखो वो डिपार्टमेंट किसके साथ ऐड है, वो जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट किसके साथ ऐड है, किसी के साथ ऐड है, स्टूडेंट नहीं के ऊपर क्लिक करो, स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करो, सर्च करो। अच्छा एक टैग करो, वो एक किसी को नाम एक सिलेक्ट कर दो, सेव करो। अभी क्या हुआ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट टैग हो गया और स्टूडेंट के साथ डिलीट हो गया, ऐड हो गया ना। नाउ ट्राई टू गो टू डिपार्टमेंट एंड डिलीट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, अभी मैं वो डिपार्टमेंट डिलीट करने की कोशिश करो, क्या बोल रहा, डिलीटेड। स्टूडेंट के साथ डिपार्टमेंट, ओके यहाँ पे क्या दिख रहा, किसी के साथ कोई डिपार्टमेंट नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता, वो डिलीट ऑटोमेटिकली हो जा रहा, समझ गया बोल रहा। हाँ बट इस बार हम लोग मास्टर डिटेल करेंगे, मास्टर डिटेल करेंगे तो आप उसी टाइम देखो क्या होता है। नाउ स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के लिए और एक नया टेबल करो, स्टूडेंट के लिए और एक नया टेबल करो, क्या होगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट पैन पैन नंबर डिटेल्स, ऐसे स्टूडेंट पैन डिटेल्स को, स्टूडेंट है ना, अच्छा और हाँ स्टूडेंट पैन और आधार कार्ड, पैन आधार कार्ड डिटेल्स, पर आईडी प्रूफ डिटेल्स, स्टूडेंट आईडी प्रूफ डिटेल्स, उनका और एक नया टेबल, और नया फील स्टूडेंट करते हैं ना नया फील। नया नया टेबल करो, नया ऑब्जेक्ट करो, हाँ नया टेबल सर करो, मास्टर अभी ये पे नहीं, ये पे नहीं, फर्स्ट क्रिएट अ चाइल्ड टेबल, देखो फर्स्ट चाइल्ड करना पड़ेगा, उसके साथ मास्टर के साथ ऐड करना पड़ेगा, ओके समझ गए क्या बोला, चाइल्ड करना पड़ेगा, चाइल्ड मास्टर के साथ ऐड करना पड़ेगा। स्टूडेंट के आईडी प्रूफ के लिए एक अलग टेबल करो, स्टूडेंट आईडी प्रूफ्स बोल के टेबल करो, क्रिएट नंबर न्यू ऑब्जेक्ट, नंबर स्टूडेंट
आई थिंक आईडी इज ऑलरेडी क्रिएटेड। ना वो आईडी नहीं, ये एक आईडी होगा जहाँ पे पैन होगा, आधार होगा, वोटर होगा, एक दो तीन इंफॉर्मेशन ओके रहेगा ओके आईडी से। ओके ओके आईडी प्रूफ डाल देता हूँ सर। स्टूडेंट आईडी प्रूफ ऐसे बोल के टेबल ठीक है सर, आईडी प्रूफ। को। यस वहाँ पे ऐसे करो, दो तीन फील्ड क्रिएट करो, पैन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तीन चार एक और फील्ड क्रिएट करो। सर, अगेन नंबर नो की टेक्स्ट। ऑल नाम ये करो ना, टेस्ट ऑल टेस्ट करो, पैन कार्ड तो ये होता है ना मल्टीपल, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, वोटर कार्ड। यस सर, पैन कार्ड। पैन कार्ड, आईडी कार्ड, वोटर कार्ड, कहाँ क्रिएट करता है? मैं बोल रहा था स्टूडेंट आईडी प्रूफ बोल के नया टेबल क्रिएट करो, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और पेपर में क्लिक करो कि तुम स्टूडेंट के अंदर की कर रहे। मैं आईडी ये प्रूफ नहीं में सर, बोल, मैं बोला नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट। और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बोलो, उसका अच्छा उसका अच्छा सर, चाइल्ड होगा, ये स्टूडेंट पेरेंट होगा, पेरेंट का एक चाइल्ड होगा, बच्चा होना चाहिए सर बच्चा, और आईडी प्रूफ बोल के ये भी जो आईडी प्रूफ है वो डिलीट कर दे, अच्छा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, नया कस्टम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। हाँ क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, सर पैन कार्ड। अरे भाई पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाम था स्टूडेंट आईडी प्रूफ्स, ऑल आईडी प्रूफ्स विल बी इन दिस टेबल प्रूफ्स। एस नो, ये करो कॉपी पेस्ट करो ना, ये पे गैप नहीं रहा, आईडी प्रूफ्स सिमिलर पूरा में। यस सर, हाँ सर, आगे आड़े। दिस वन हो गया। हाँ अच्छा इस बार एक काम करो, ये नया टेबल हुआ ना, इस बार एक हाँ टेबल ओपन, दिस टेबल ओपन, दिस टेबल आईडी प्रूफ टेबल ओपन करो, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाओ, न्यू लुकअप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, नेक्स्ट करो। रिलेटेड टू स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट। ओके
नीचे आ नेक्स्ट गई। नेक्स्ट हो गए रिलेशन। अच्छा अभी एक काम करो, नया एक स्टूडेंट क्रिएट, स्टूडेंट ये करो क्रिएट ए न्यू स्टूडेंट। नाउ गो टू सेल्स क्लब, क्रिएट ए न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट नया स्टूडेंट क्रिएट करो। हाँ नया स्टूडेंट नया स्टूडेंट में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जाओ, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जाओ। हाँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओपन कर। क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू स्टूडेंट डालो कुछ। ओके सैंपल, ओके सैंपल ये करो, चार पूरा फिल नहीं देना पड़ेगा, कुछ कुछ दे। थोड़ा था। ओके ओके सर नीचे आ जाओ एकदम नीचे। सेव। सेव करो। हाँ सर पैन कार्ड तो आ गया इधर, आईडी कार्ड। अरे ये तो वो तो एक टेबल में दिखा, डिलीट नहीं किया, वो तो रिलेटेड टेबल में जाना पड़ेगा। एक टेबल में सब रिलेटेड में जाओ, ये पे रिलेटेड क्लिक करो। मैं बोला तो प्राइमरी टेबल से डिलीट करने के लिए बोला था, रिलेटेड क्लिक करो रिलेटेड। और नीचे 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 विजय का नीचे, विजय का नीचे। हाँ अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्रूफ बोला, यहाँ पे न्यू कर, यहाँ पर न्यू कर, यहाँ पर ये कर। ये वो प्राइमरी से टेबल से डिलीट करना पड़ेगा, वो सब डिलीट करते हो। और ये चाइल्ड है वो प्राइमरी है, समझ गए। प्राइमरी से बोलते हैं वो टेबल से, वो ये डिलीट करो, पैन कार्ड आईडी का जो लिखा वो सब, वो ऑब्जेक्ट डिलीट, वो फील्ड डिलीट करो, सब यहाँ पे रखो। हाँ आईडी प्रूफ नेम्स सिलेक्ट करो, स्टूडेंट आईडी प्रूफ क्या ये फील्ड का क्या। अच्छा स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ विजय, ओके यहाँ पे क्लिक करो विजय से। कुछ आए आईडी प्रूफ क्या है, कौन कैटेगरी, पैन कार्ड देखो, पैन कार्ड नाम सब गलत दे रहा है इसलिए। पैन कार्ड नेक्स्ट करो, आ गया सर। न्यू करो। तुम्हारा फील्ड ठीक ठाक नहीं, एग्जाम्पल अच्छा जबरदस्त नहीं हो। आधार कार्ड लिखो, अच्छा ए नेम स्टूडेंट ने। नाउ इफ यू वांट टू ट्राई टू, वो जो क्या हुआ मास्टर डिजिटल रिलेशनशिप हुआ ना, मास्टर डिजिटल रिलेशनशिप। अभी एक काम कर दो, स्टूडेंट आईडी डिटेल डिपार्टमेंट जा, स्टूडेंट डिपार्टमेंट जाओ अच्छा और स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी प्रूफ टेबल, आईडी प्रूफ टेबल, आईडी प्रूफ टेबल में जाओ। वहां पे वो डिलीट करने, रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश करो। आईडी दिस प्रूफ वन रिलेटेड, हाँ ये तो टेबल ठीक है। यहाँ पे जाके
कौन हुईज डिपार्टमेंट यूज, ओके एक नहीं, वो जो हुईज डिपार्टमेंट यूज फॉर द लास्ट रिकॉर्ड, स्टूडेंट कौन था, उसके लिए कौन डिपार्टमेंट यूज किया, बैक करो, फिजिक्स है ना, हाँ फिजिक्स डिलीट करने की कोशिश करो, बैक करो फिजिक्स, और राइट साइड फिजिक्स डिलीट करने के लिए कोशिश करो, देखो क्या हो रहा है। यस रिलेटेड ना डिलीट नहीं होना चाहिए, डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक रिलेशनशिप नहीं हो। एक काम करो, तुम्हारा एम्प्लॉय वर्ग के कोई टेबल है या पे नहीं है ना, एम्प्लॉय एक काम करो, एक टेबल बनाओ एम्प्लॉय एंड सैलरी बोल के, एक टेबल बनाओ। यहीं पे क्रिएट करूं। हाँ ये दो नया फ्रेश बनाओ, एक एक नया टेबल बनाओ, एकदम नया, एक लिखो ईएमपी सैलरी टेबल, ईएमपी इन्फो टेबल, ईएमपी पर्सनल इन्फो टेबल, ईएमपी सैलरी टेबल, दोनों के साथ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। इम्पोर्टेबल टेबल नाम ऑल टाइम गिव द स्टार्टिंग कैरेक्टर कैपिटल, ईएमपी इंपोर्टेबल, मैं तुमको बोला था एक नया टेबल कंप्लीट करने, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, यहाँ पे ईएमपी की को लिख रहा, स्टूडेंट डिपार्टमेंट टेबल ईएमपी नंबर ईएमपी सैलरी, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बोला, फिर से नया फ्रेश ऑब्जेक्ट बनाओ, फ्रेश ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं, ऑब्जेक्ट मैनेजर जाओ, ऑब्जेक्ट मैनेजर जाओ, सर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सर ओके सर इन्होंने अपडेट हो, नीचे आओ नीचे आओ, एक नीचे एक सिलेक्ट करो, हाँ हो गया सेव। हाँ सेव करो, एक टेबल कौन है एम्प्लॉई सैलरी ना, हाँ यस सर क्रिएटेड एक कौन टेबल है ईएमपी, कौन ये टेबल भी है वो, इन्फोटेबल इन पे एनपी यहाँ इन्फोटेबल। पर क्या क्या फील्ड है, अच्छा ईएमपी सैलरी टेबल क्रिएट किया है, हाँ क्रिएट करते हैं एक बार। ईएमपी सैलरी टेबल, यस ग्रेटेड अच्छा एम्प्लॉय सैलरी टेबल, ये सैलरी टेबल हो, सैलरी टेबल के करो कुछ फील्ड कर बनाओ, एक सैलरी टेबल में क्या होता है, देखो एक सैलरी टेबल में पहले ईएमपी, एक सैलरी टेबल का और ईएमपी टेबल का दोनों के साथ तो थोड़ा रिलेशनशिप है ना, हाँ एक सैलरी टेबल में एक काम करो एम्प्लॉय आईडी दो, पहले एम्प्लॉय टेबल में कुछ फील्ड क्रिएट करो, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉई ओके एड्रेस, क्रिएट सर थ्री सेलेक्ट फोर टेबल में फील्ड करना है ना। ना, सैलरी टेबल में सैलरी इंफॉर्मेशन रहना पड़ेगा,
सैलरी टेबल में सैलरी इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। ओके और नंबर हाँ, तो सैलरी नाम ये दे दो, और करेंसी दे सकते हो, एम्प्लॉय सैलरी करेंसी। करेंसी, अच्छा उसके लिए एम्प्लॉय नंबर, आईडी नंबर क्रिएट किया, एम्प्लॉय आईडी तो रहना पड़ेगा ना। दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी सैलरी किसका, एम्प्लॉय आईडी की सैलरी ना, हाँ ये सैलरी किसका सैलरी, एम्प्लॉय आईडी की हाँ हाँ सैलरी। हाँ तो यहाँ क्रिएट करो सर एम्प्लॉय। हाँ, तो ये करो, ईएमपी आईडी क्रिएट करो। ओके okay. आई एम पी आई डी क्रेडिट। अच्छा नेक्स्ट। एक एक मिनट, हाँ हेलो। सर 1 मिनट हाँ, आ रहा है, 1 मिनट। एक मिनट। हाँ, टुडेज रिकॉर्डिंग एक्चुअली हमें शेयर टू रिकॉर्डिंग लिंक मेरा आईडी, आई एम नॉट फाइन। इट इज अ सेल्स फॉर मार्केटिंग क्लाउड एंड एक्चुअली यस्टरडे आई हैव रीच, टुडे वाज द फर्स्ट सेशन, 8 AM टू 9 AM, यस, मॉर्निंग 8 AM टू 9 AM, सेल्स फॉर मार्केटिंग क्लाउड। विक्रांत, नो, सेशन वाज हैपेंड मॉर्निंग, इंट्रो सेशन फर्स्ट डे वन सेशन हैपेंड। हाउ टू गेट, यस, आलोक हल्दर, ALOK HLDER, आलोक ALOK, यस यस, आलोक। No, I have not find out, I have not checked, okay, elevation. ओके, हेलो, हाँ देवेंद्र। हाँ सर, सर 1 मिनट सर, मैं आ रहा हूँ। ठीक।
यस सर। हाँ एक क्या एमपीआई नहीं किया। एम्प्लॉय आईडी सैलरी टेबल नेम ओके सैलरी फील्ड हाँ नेम सैलरी फील्ड नेम सैलरी सैलरी टेबल एम्प्लॉय फील्ड नेम अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ क्रिएट वन इज फील्ड एम्प्लॉयड अनदर फील्ड क्रिएट अ न्यू फील्ड करेंसी इज सैलरी एम्प्लॉय सैलरी न्यू फील्ड सैलरी करेंसी सर एम्प्लॉय सैलरी सिंपल लिखना सैलरी ओके एम्प्लॉय सैलरी। नाउ इन एम्प्लॉय सैलरी फील्ड क्रिएट ए लुकअप रिलेशनशिप एम्प्लॉय सैलरी फील्ड ओके फील्ड एम्प्लॉय सैलरी टेबल क्रिएट ए लुकअप रिलेशनशिप क्लिक न्यू ना यहाँ क्लिक न्यू लुकअप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप मास्टर डिटेल क्लिक नेक्स्ट सिलेक्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉई क्लिक है एम्प्लॉय फॉर टेबल ना रिलेटेड टू एम्प्लॉई इंपोर्टेबल ठीक है सिलेक्ट इट सिलेक्ट क्लिक नेक्स्ट ओके ओके देयर इज ऑन पॉपअप इज शोइंग कैन यू चेक द हिंट्स इज देयर ना फील्ड नेम के साइड देखो क्लिक करो तो एक बार वो पे क्या देखो वो हिंट्स दिख रहा है ठीक है रीड ओनली अच्छा अच्छा ये करो नेक्स्ट करो नेक्स्ट करो नेक्स्ट करो सेव नाउ क्रिएट एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंड एम्प्लॉय सैलरी नाउ गो टू सेल्स क्लाउड क्रिएट एम्प्लॉय रिकॉर्ड एम्प्लॉय सैलरी सर इन एम्प्लॉय इन्फो टेबल ना इसमें क्रिएट करो करूं। डुप्लीकेट हाँ एम्प्लॉय टेबल नेम दे दो हाँ दे किच गिव सम नेम यहाँ पे और वैल्यू कोई एटलीस्ट एम्प्लॉय नंबर अरे वो तो देना पड़ेगा एम्प्लॉय नंबर करना पड़ेगा ना ठीक है और इसका जाओ जाके फील्ड क्रिएट करो ओके सर फील्ड हाँ फील्ड क्रिएट करो ऑब्जेक्ट मैनेजर जाओ नंबर है सर। करेंसी करेंसी नो मैं एम्प्लॉय इनपुट टेबल में करेंसी की करो एम्प्लॉय इनपुट टेबल मींस की एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम टेक्स्ट एम्प्लॉय ईमेल आईडी बस एम्प्लॉय पर्सनल इनपुट एम्प्लॉय सैलरी दो टू सेपरेट ऑब्जेक्ट बट दे आर कनेक्टेड विद द एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नंबर व्हाट इज द एम्प्लॉय नंबर डेटा टाइप हैव यू क्रिएटेड इन सैलरी टाइप एम्प्लॉय नंबर हेलो थोड़ा समझ के गलती हो रहा है देखो एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय सैलरी टेबल में दोनों के अंदर कॉमन फील्ड कौन है कॉमन फील्ड एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय आईडी इज ए कॉमन फील्ड तो कॉमन फील्ड तो क्रिएट करना पड़ेगा समझ गए क्या बोल रहा हाँ तो वो क्रिएट करो एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर इज ए कॉमन करो ये करो नेक्स्ट करो एम्प्लॉय आईडी लिखो
एमपीआईडी। यस सर, हो गया। अच्छा, इस बार एम्प्लॉय टेबल एक एक और सेल्स क्लोज जाके एक वैल्यू क्रिएट करो। न्यू करो, न्यू। हाँ सर आ गया। हाँ, एक और क्रिएट कर, गिव ए नेम, जस्ट गिव एनी नेम, एम्प्लॉय नंबर। ओके, 52। ठीक है, सेव। अच्छा, क्लिक ऑन रिलेटेड, क्लिक ऑन रिलेटेड, क्लिक ऑन रिलेटेड। हाँ, एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स क्लिक करो। एम्प्लॉय सैलरी टेबल डालो, डालो लिखो सेल ऑन, सेल ऑन पर सेल जस्ट। हाँ, एम्प्लॉय सेल, सेल ऑन सैलरी, सेल वन सैलरी, सेल वन लिखो, वन सैलरी वन बोल क्लिक। हाँ ठीक है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी दे दो, एम्प्लॉय 52। अमाउंट चलो 5,000, 10,000। सेव हाँ, ऑन मिट वहाँ पे। हाँ, हो गया दोनों टेबल के। नाउ ओके, नाउ गो टू सेल्स क्लाउड। ओके, नाउ ट्राई टू डिलीट सैलरी, नाउ ट्राई टू डिलीट सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी टेबल डिलीट करने की कोशिश करो, देखो क्या होता एम्प्लॉय सैलरी। है। हाँ, आप ये डिलीट करने की कोशिश करो, राइट साइड जाओ, राइट साइड, राइट साइड। और विनय को डिलीट करो, विनय हाँ, डिलीट करो। या सर। नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक काम करो, इस अच्छा सैलरी टेबल में और सैलरी सैलरी भी मिलता होगा। अच्छा, और एक बार सैलरी क्रिएट करो, ये तो थोड़ा गलती है। ओ 1 मिनट सर। हाँ न्यू करो, एम्प्लॉय सैलरी वैल्यू डालो, कुछ रिलेशन को टेबल ओके सर। कंप्लीट द एम्प्लॉय इंपोर्टेबल, एम्प्लॉय सेलेक्ट, एम्प्लॉय इंपोर्टेबल सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो न्यू। ठीक है, हाँ सर इसको भी फिलअप करना पड़ेगा। हाँ करो करो करो। गिव नेम, एम्प्लॉय आईडी, अच्छा इस बार। ओके, ये हुआ ना, मास्टर डिटेल, चाइल्ड डिलीट होगा तो मास्टर डिलीट होगा तो चाइल्ड डिलीट होगा, चाइल्ड डिलीट। अच्छा, इस नाउ यू ट्राई टू डिलीट एम्प्लॉई, सेव अगर करो देखो। सर। हाँ, सेव करो। देखो, ये एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के साथ चाइल्ड के क्या हुआ, टाइट रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा, उसका चाइल्ड भी डिलीट होगा, समझ गए। एम्प्लॉय हाँ डिलीट होगा तो अभी और क्या करो, इस बार ट्राई टू डिलीट बिना, ट्राई टू डिलीट बिना, गो टू स्टूडेंट एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय इन्फो टेबल, एम्प्लॉय इन्फो टेबल, ए डिलीट कर। ए डिलीट करोगे तो उसका सैलरी भी डिलीट होना चाहिए। हो गया, तो उसका सैलरी टेबल देखो, उसका सैलरी एम्प्लॉय इनपुट बिना का सैलरी डिलीट होके दे, डिलीट हो गया। डिलीट या सर। हाँ हुआ ना। मैं पेरेंट, यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट तो एम्प्लॉय था, उसका सैलरी चाइल्ड था। अगर पेरेंट डिलीट हो जाएगा, चाइल्ड भी डिलीट होगा। वह लास्ट जो किया था, लुकअप रिलेशनशिप किया हुआ था, वो किसी को स्टूडेंट डिलीट हुआ, इसके लिए स्टूडेंट का जो पार्ट आईडी प्रूफ डिलीट नहीं हुआ। और वहाँ पे क्या था रिलेशनशिप, वो
दो अलग डिपार्टमेंट था, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट था। स्टूडेंट डिलीट हो सकता है बट डिपार्टमेंट डिलीट नहीं हुआ। यह पे क्या होता है, यह पे एम्प्लॉय डिलीट होता है उसके एम्प्लॉय का सैलरी भी डिलीट हो जाए, समझ गए एक्चुअली में डिफरेंस। हाँ, जैसे मतलब डिपार्टमेंट डिलीट हो सकते हैं यहाँ यहाँ पे माँ पेरेंट डिलीट होता है उसका चाइल्ड भी डिलीट होता है। पे। अच्छा वह पे स्टूडेंट डिलीट हुआ उसका डिपार्टमेंट डिलीट नहीं हुआ, हाँ। दोनों का डिफरेंस समझ गए। दो चाइल्ड, यहाँ पे पेरेंट डिलीट होगा तो चाइल्ड भी डिलीट होगा, ये मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। और वह पे अच्छा चाइल्ड डिलीट, वह पे एक टेबल डिलीट होगा तो वो रिलेटेड टेबल पे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर स्टूडेंट डिलीट हो सकता है बट स्टूडेंट का डिपार्टमेंट का कोई डिपार्टमेंट रहेगा, ये लुकअप में था, और इसमें मास्टर में लुकअप में था। हाँ मास्टर में पेरेंट डिलीट होगा तो उसका चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा, एम्प्लॉय डिलीट होगा तो उसके एम्प्लॉय सैलरी का डिलीट होगा। अच्छा, और लुकअप में ऐसा नहीं था। एक और एक चीज एग्जाम्पल सोचो, अगर जब तुम अमेजोन में कुछ बुक करो ना, वो तो क्या होता है, एक ऑर्डर क्रिएट होता है, ऑर्डर क्रिएट होता है वो आ रहा था ट्रांसपोर्ट में। अगर वो ऑर्डर ही क्रिएट होता है वो उसके लिए किसी को एक ऑर्डर के साथ एक एड्रेस है ना, ऑर्डर बुक करा कि देवेंद्र के एड्रेस में वो सामान पहुंचाने पड़ेगा ना, ऑर्डर के साथ हाँ एक है। अगर ऑर्डर डिलीट हो जाएगा तो तू हाँ ऑर्डर पूरा से उसका सब कुछ डिलीट हो जाएगा ना, समझ गए क्या बोल रहा, हाँ वही है द थिंग्स इज। बट हियर अगर स्टूडेंट डिलीट हो जाए स्टूडेंट का सैलरी भी डिलीट होना चाहिए, बट डिपार्टमेंट का डिलीट नहीं होगा, स्टूडेंट डिलीट होगा तो स्टूडेंट का डिपार्टमेंट डिलीट नहीं होगा, समझ गए क्या बोल रहे। तो हाँ ये रिलेशनशिप कहता है मास्टर लुकअप रिलेशनशिप होता है, और वो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता है, समझ गए। और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। तो हाँ आज अप टू दिस देयर वी कैन ओके। एक्सटर्नल रिलेशनशिप और एक है, अगर वो देख सकते हो नहीं सकते हो, दैट इज नॉट ओके। लेट मी चेक इफ इट इज ए इजी टू फॉर यू, वी कैन डू। बट दिस इज द टू रिलेशनशिप, व्हाट इज आवर प्राइमरी एजेंडा, दिस टू रिलेशनशिप ओके। वन इज द लुकअप रिलेशनशिप, वन इज द मास्टर रिलेशनशिप। यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस, यू नीड टू क्रिएट टू थ्री टेबल्स एंड डू प्रैक्टिस ओके। और सर ओके। ये मास्टर में जैसे कि ये डिपार्टमेंट मतलब यहाँ से सर गायब हो जाएंगे ना, जैसे अगर मास्टर में डिपार्टमेंट नहीं चल जाता है पूरा। है मास्टर, मास्टर डिटेल में किसका, स्टूडेंट का। हाँ स्टूडेंट डिलीट होता है उसका डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं होगा, वो तो लुकअप रिलेशनशिप है ना, लुकअप रिलेशनशिप। स्टूडेंट के साथ एम्प्लॉय के साथ सैलरी तो स्टूडेंट रिलेशन वो नहीं है, वो तो टाइट रिलेशनशिप। एम्प्लॉय डिलीट होगा तो एम्प्लॉय सैलरी भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, अच्छा, मतलब एम्प्लॉय का अगर आईडी से आईडी डिलीट किया तो सैलरी भी चली जाएगी उसमें। एक एम्प्लॉय डिलीट करेगा उसका सब सैलरी भी चला जाएगा, और किसी को तो अच्छा, वही दिक्कत। ये लुकअप में था ऐसे। ये एम्प्लॉय डिलीट होगा एम्प्लॉय का सैलरी डिलीट, ये मास्टर टीचर रिलेशनशिप। अच्छा, और स्टूडेंट के साथ जो डिपार्टमेंट, वो स्टूडेंट डिलीट हुआ फिर भी डिपार्टमेंट डिलीट नहीं होगा, हाँ वो लुकअप रिलेशनशिप। लोकल रिलेशन में सर ऐसे अगर बोला जाए तो सैलरी डिलीट होगी बट उसका आईडी डिलीट नहीं होगा डिपार्टमेंट। अरे भाई उसके साथ उसका एग्जाम्पल अलग दे रहा, अलग समझो। आईटी की सैलरी के साथ वो रिलेशनशिप नहीं होता, लुकअप रिलेशनशिप नहीं होता। सैलरी के साथ उसका पेरेंट का मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होना चाहिए। बट डिपार्टमेंट तो देखो, डिपार्टमेंट आज मैं टीसीएस डिपार्टमेंट छोड़ रहा तो इसका मीन्स एक्चुअली वो डिपार्टमेंट डिलीट हो जाएगा। कोई भी ऑफिस से एक लोग काल छोड़ेगा तो उसका डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, नहीं। नहीं तो डिपार्टमेंट तो रहेगा। बट जो लोग छोड़ रहा है उसका सैलरी तो बंद हो जाएगा, ये सब नो। दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल, यही सब एग्जाम्पल याद करके रखो, यही प्रैक्टिस करो, समझ लिया क्या बोल रहा हाँ। है। ओके सो वी कैन कीप टुडे हियर, ओके सर, ठीक है। कल एक बार मैडम को बोलो बात करने के लिए, मैं एक बार पूछ कर, ठीक है ठीक है ओके। सर, हाँ मैम से मैं बात करता दिस हूँ। इज द देखो दिस हाउ टू हैव डन।